भारत में जनजीवन मॉनसून पर टिका है। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, जिसे चलाने में मॉनसून का सर्वाधिक योगदान रहता है। मॉनसून से ही भारत का फसली चक्र निर्धारित होता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय बारिश होती है, लेकिन एक समय होता है जब दक्षिण पश्चिमी मॉनसून देश के बहुत बड़े हिस्से में एक साथ बरसात कर रहा होता है। कई बार इसके देर होने से या कमजोर पड़ने से देश पर सूखे की मार भी पड़ती दिखती है। वहीं हालांकि इस बार मॉनसून समय से पहले ही आ रहा है। आमतौर पर 1 जून को केरल में बरसने वाले बादल इस बार 5 दिन पहले ही 27 मई से ही ये बरसना शुरू हो जाएंगे। वहीं मुंबई में भी मॉनसून समय से पहले ही जमकर बारिश करने वाला है। मौसम विभाग ने इस साल दक्षिण पश्चिमी मॉनसून जल्द आ रहा है उसका अनुमान जताया है। वहीं मॉनसून इस साल तय समय से 5 दिन पहले ही 27 मई को केरल पहुंच जाएगा। केरल में मॉनसूनी बरसात सबसे पहले शुरू होती है, फिर ये देश के अन्य हिस्सों की तरफ आगे बढ़ती जाती है। वहीं केरल की तरह ही मुंबई में भी मॉनसून 3 दिन पहले आ जाएगा। वहीं आमतौर पर मुंबई में मॉनसून 10 जून तक पहुंचता है, लेकिन इस बार 7 जून से ही बादल मुंबई के आसमान पर छाते हुए दिखेंगे। इसके बाद मॉनसून महाराष्ट्र के अन्य हिस्से यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से और उसी समय गुजरात की तरफ भी ये आगे बढ़ता दिखाई देगा। वहीं दिल्ली में आमतौर पर 27 जून के आसपास मॉनसून पहुंचता है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की पश्चिमी यूपी हरियाणा के रास्ते दिल्ली में बारिश लाता है। इस बार दिल्ली में भी थोड़ा पहले मॉनसून पहुंचने का जो अनुमान है वो जताया गया है। चूंकि इस साल ला नीना का प्रभाव घटा है, इसलिए मॉनसून में देरी जैसी कोई बात नहीं होने वाली है। पिछले 2 सालों में ला नीना ने चलते दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने में देरी हुई थी। कई बार मॉनसून रुक रुक कर आगे बढ़ा है, लेकिन जब मॉनसून 13 दिनों की देरी से दिल्ली पहुंचा था तो जमकर बारिश भी हुई थी। पिछले साल मॉनसून दिल्ली में 70 सालों का इतिहास तोड़ने के करीब पहुंच गया था, लेकिन इस बार दिल्ली में ये 24 से 25 जून से ही घनघोर बारिश की उम्मीद यहाँ पे अभी जताई जा रही है। हालांकि प्री मॉनसूनी गतिविधियां कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाएंगी। पूरे देश में इस साल मॉनसून के सामान्य रहने का जो अनुमान है वो जताया गया है। मॉनसून के पूरे 4 महीने में बता दें आपको ये 95 से 104% तक बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में खरीफ की फसल को काफी फायदा होने वाला है। भारत में इस बार सामान्य मॉनसूनी बारिश का अनुमान 880.6 मिलीमीटर के है, वहीं जो कि 96 से 104% है। कुल मिलाकर इस साल देश भर में अच्छी बारिश होने का जो अनुमान है वो जताया गया है। तो बड़ी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।